टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भिवंडी क्राइम ब्रांच ने ट्रक ड्राइवरों से लूटपाट करने वाले और हत्या के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 30 मई 2021 को राजलक्ष्मी कंपाउंड कालहेर में एक ट्रक में सो रहे ट्रक ड्राइवर आजम अंसारी के साथ लूटपाट की गई और उनके साथ मारपीट भी की गई थी। इस मारपीट में घायल आजम अंसारी को मुंबई के एक अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। आजम अंसारी का एक साथी ड्राइवर सत्य प्रकाश ने इसकी शिकायत नारपोली पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी। नारपोली पुलिस ने इस मामले में 326, 504, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया था, मगर आरोपियों की कोई भी पहचान नहीं हो पा रही थी और आखिरकार इलाज के दौरान आजम अंसारी की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने धारा 302 के तहत भी मामला दर्ज कर लिया। इसी दौरान भिवंडी के क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली कि ट्रक ड्राइवरों से लूटपाट करने वाले ये दोनों आरोपी भिवंडी आने वाले हैं, जिसके बाद भिवंडी क्राइम ब्रांच ने किरण नत्थू पाटिल 27 वर्षीय और एक 17 साल के नाबालिग लड़के को गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। नारपोली पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में 30/5 के रात 3 बजे राजलक्ष्मी कंपाउंड है, वहाँ कंटेनर चालक दो कंटेनर एक के पीछे एक खड़े रह के वो रात को सो रहे थे। रात 3 बजे दो इसम उन्होंने कंटेनर के ड्राइवर सोया था वहाँ जाके वहाँ चोरी करने का प्रयास किया। उस टाइम पे वो ड्राइवर उठ गए आजम अंसारी करके, उसमें उनको आपस में बातचीत हो गई। उन्होंने बोला कि क्या क्यों आ गए गाड़ी में वगैरह, ऐसा उसके ऊपर उनके बहसबाजी हो गए तो उनको शोर मचाने के बाद में सामने वाले ट्रक में से वो दूसरा ड्राइवर वहाँ आने के बाद में आपस में बहसबाजी हो गए तो उन्होंने उनको लगा कि और कोई आ जाएंगे तो वो वहाँ से निकल गए दो जन और मोटरसाइकिल पे थोड़ा आगे जाके फिर वापस आ गए। आते समय उनको जो गुस्सा आ गया था, उनमें आपस में बहसबाजी हो गई थी, उसने आते समय एक पत्थर उठा के लेके आ गया और उसमें से जो डिसीज है अंसारी करके उनके सर पे जोर से पत्थर मारा, उसमें वो गिर पड़े। उसमें उनको एडमिट किया था, उनको गहरी चोट आई थी, उपचार के दौरान उनका वो मयत हो गए हैं। उसमें वो गुने में 302 का सेक्शन ऐड किया हुआ है और इन्वेस्टिगेशन नारपोली पुलिस स्टेशन कर रही थी। इसमें कोई भी क्ल्यू नहीं था, एक आरोपी के बारे में कुछ यूज़ हुआ नहीं, मोबाइल यूज़ नहीं हुआ, ना कुछ उनके बारे में मालूम थे। आज हमको इन्फॉर्मेशन मिला कि मिट पड़ा यहाँ एक जगह पे वो आने वाले हैं। उस टाइम पे हमारा दो टीम वहाँ जाके दो लोगों को ताबे में ले लिया। ताबे में लेने के बाद में उन्होंने उनको यहाँ लेके आने के बाद में उनके पास में इंक्वायरी किया, उन्होंने ये जो गुनाह किया है वो कबूल किया और पैसा किया है उसके बारे में पूरी जानकारी दे दिए हैं।